अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मकर संक्रांति पर करंजा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला, दिन भर चला भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम। मकर संक्रांति के अवसर पर नेरुल के करंजा देवी मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं का रेला नजर आया। उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नेरुल शिवाजी नगर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मंदिर को सजाया गया था, जहां दिन भर भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। हजारों भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने श्री रामचरित मानस पाठ और महाप्रसाद में हिस्सा लिया। आयोजक डॉक्टर एस एन चतुर्वेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम 24 सालों से चलता आ रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं का भरपूर प्रतिसाद मिलता है। ये प्रोग्राम उत्तर भारतीय महासंघ के सौजन्य से हम लोग करते हैं। यहाँ पे करंजा देवी मंदिर के प्रांगण में शिवाजी नगर के निवासी जो हैं, यहाँ के नेरुल शिवाजी नगर, इन लोगों का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। ये लोग इस उम्र में, वृद्धावस्था में, जगह जगह जा करके व्यवस्था करते हैं, सामान लाते हैं ढो ढा करके। हम लोग भी पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं संघ के साथ। तो यहाँ पे पूरा 2 दिन का प्रोग्राम होता है। अखंड श्री रामचरित मानस होता है, पहले दिन शुरुआत होता है। तो अखंड श्री रामचरित मानस पूरा दोपहर में भोजन, शाम को भी पूरा भंडारा रहता है, फिर पूर्णाहुति दिन भी दोपहर में छोटा भंडारा रहता है और शाम को महाभंडारा रहता है, जिसमें करीब 3-4 हज़ार लोग भोजन करते हैं और यहाँ देवी माता की कृपा से उनका आशीर्वाद लेकर के सब लोग। इन लोगों का इसमें बहुत भारी सहयोग है, दिन रात मेहनत करके यहाँ पे आयोजना करते हैं, जिससे कि सब लोग देवी माता का कृपा प्रसाद लेते हैं और ग्रहण करते हैं। और पब्लिक भी यहाँ की लोकल हमारी बहुत सहयोग करती है, हमारे मंडल वालों की बहुत सहयोग करती है। सब लोग स्वेच्छा से तमाम अन्न, फल, फूल, सब्जी, पैसा, रुपया इतना दे देते हैं कि देवी माता की कृपा से कोई भी तकलीफ नहीं होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। नहीं, ये जो है हिंदू धर्म कर्म पूजा पाठ माँ करंजा देवी की कृपा से आज पिछले 24 साल से चले आ रहा है, जिसमें जो है कि यहाँ पर काफ़ी सहयोगी लोग हैं। सबके सहयोग से प्रोग्राम, भंडारा, अखंड रामायण पिछले 24 साल से बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत उत्साह होता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जुटते हैं। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है और 24 घंटे का रामायण है, जिसमें कि डॉक्टर शेषनाथ द्विवेदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है, जो रामायण बांचने के लिए लोगों को दूर दूर से एकत्रित करते हैं, जिसके सहयोग से कार्यक्रम की पूर्णाहुति होती है। 15-20 साल से यहाँ, ये जब से भारतीय जनसंघ बना हुआ है, तब से यहाँ पर से अखंड रामायण पाठ शीतला माता के इस मंदिर में किया जाता है और इसमें उत्तर भारतीय लोग सब एकत्रित होकर के अखंड रामायण का पाठ करते हैं और यहाँ पर भंडारा भी शाम को रखते हैं दूसरे दिन। और मकर संक्रांति का यहाँ पर, यहाँ के जितने भी ये महाराष्ट्रीय लोगों का मंदिर है, तो वो लोग अपना अपने ही जैसा उनके यहाँ के चाल चलन है उसके हिसाब से वो सब औरतें शाम के टाइम हल्दी, कुमकुम और आपका ये फल, ये क्या बोलते हैं, चना वगैरह, ऐसा सब ये ला करके यहाँ माता जी को चढ़ाती हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं और फिर यहाँ प्रसाद लेती हैं, इसके बाद जाती हैं। तो ये जो कार्यक्रम है बहुत दिन से चल रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पर। यहाँ हर साल एक बोलना चाहिए कि एक अनूठी चीज़ है, यहाँ किसी का नाम नहीं है। बहुत पुराने लोग थे, एक कादरी भाई थे, यादव जी थे, उनका दुखद निधन हो गया, उसके बाद से ये परंपरा ऐसे ही चलती आ रही है। और यहाँ पे
किसी के नाम से ये जो है कि कार्यक्रम नहीं होता है। इसमें सब भाईचारा से सब लोग दूर दूर से आते हैं और सबका सहयोग होता है। और यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि इतने कम लोग हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग जो है कि यहाँ आकर खिचड़ी का प्रसाद लेते हैं और एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। और ये करंजा देवी माता का एक सबके ऊपर असीम कृपा है कि साल में इसी बहाने एक बार सब लोग मिल के आपस में सुविचार और अखंड रामायण आयोजन करके यहाँ पे हर वर्ष। और मैं माँ भगवती से कृपा करता हूँ कि ये ऐसे ही सबके अंदर प्रेम बनाए रखे, निरंतर हम लोग आपस में मिलते रहें और यहाँ पे आके अपना सेवा देते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।